मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 26 अक्टूबर 2022 बुधवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। साथ ही मैं आपको बता दूं, कल सूर्य ग्रहण होने की वजह से गोवर्धन पूजा नहीं हो पाई थी, तो ऐसे में आज यानी कि 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा होगी। यानी कि इस बार दीपोत्सव 5 दिन की जगह 6 दिन का होगा, तो आपको गोवर्धन पूजा की भी हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक नजर डाल लेते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक साथ नजर आएंगे। दरअसल कांग्रेस के नव नियुक्त अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अक्टूबर यानी कि आज अध्यक्ष पद का चार्ज संभालेंगे। उनके इस कार्यक्रम में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। दरअसल बड़ी खबर इसलिए है, दोनों ही नेता भले ही एक पार्टी से हैं, लेकिन दोनों के बीच दूरियां साफ नजर आती है। मौका मिलने पर दोनों नेता एक दूसरे पर तीखे प्रहार भी करते हैं। दरअसल मई में उदयपुर में हुए राष्ट्रीय चिंतन शिविर के बाद दोनों नेता किसी भी कार्यक्रम में एक साथ नजर नहीं आए, इसीलिए सबसे बड़ा फोकस गहलोत और पायलट पर होगा। दूसरी बड़ी खबर, अभी कुछ दिनों पहले पूर्वी राजस्थान के किसानों को भारी नुकसान हुआ था। सोयाबीन, उड़द व धान की फसलों में कुदरत की मार से भारी नुकसान किसानों को पहुँचा। किसानों को बेमौसम बरसात ने बर्बाद कर दिया। हालत यह हो गई, किसानों के हाथ में लागत का पैसा भी नहीं पहुंचा। किसान इस बार दिवाली भी अंधेरे में ही मनाई। वहीं किसान महापंचायत के प्रदेश संयोजक सत्यनारायण सिंह ने किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी के साथ बिजली बिलों को माफ करवाने की मांग की है, क्योंकि आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसान फिर से कर्ज लेकर रबी की फसलों की तैयारी में जुटेंगे। वहीं किसानों का कहना है, अभी तक वर्ष 2021 का फसल बीमा क्लेम किसानों को नहीं मिलना जख्मों पर नमक जैसा है। एक और बड़ी खबर, दिवाली चली गई है लेकिन अब कुछ दिनों बाद ही वेंडिंग सीजन यानी कि शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। देव उठनी 11-4 नवंबर को है, हालांकि इस बार शादियों की शुरुआत 23 नवंबर के बाद होगी। दरअसल यह खबर इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि शादियों के सीजन में पूरे भारत में कई लोगों को रोजगार मिलता है, जैसे घोड़ी वाला, बैंड वाला, टेंट वाले। यानी कि शादियों के सीजन से कई लोगों की रोजी रोटी तक चलती है। और आपने देखा भी होगा शादियों के सीजन में शादी के पंडाल में बैठकर स्वादिष्ट खाने का जमकर लुत्फ उठाते हैं। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं इंतजार रहता है कि अब अगली शादी कब है। दरअसल मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले साल 2021 में मैंने आपको एक खबर भी दी थी। एक शादी में शामिल होने पहुंचे बाराती पंडाल में लगी आग के बीच दावत उड़ाते रहे। दरअसल उस समय इतनी भीषण आग लगी थी कि कुछ ही देर में पूरा मैरिज हॉल जलकर खाक हो गया था और दुल्हा दुल्हन को बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी मैरिज हॉल में कुछ लोग खाने की प्लेट छोड़ने को तैयार नहीं हुए और जमकर दावत के मजे उड़ाते रहे। ऐसा नजारा महाराष्ट्र के ठाणे में देखने को मिला था। एक और बड़ी खबर, कल आपको व्हाट्सएप चलाने में काफी दिक्कत हुई होगी क्योंकि व्हाट्सएप की सर्विस मंगलवार को दुनिया के कई देशों में करीब 1.5 घंटे डाउन हो गई। दोपहर 12:30 बजे व्हाट्सएप ने काम करना बंद कर दिया। हालांकि दोपहर 2:06 पर व्हाट्सएप ने वापस काम करना शुरू कर दिया। सरकार ने व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा से इस गड़बड़ी को लेकर रिपोर्ट मांगी है, लेकिन कुछ देर के लिए व्हाट्सएप यूजर परेशान हो गए थे। अगली बड़ी खबर से पहले मौसम को लेकर आपको बड़ी अपडेट दे दूं। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में बने तूफान सितरंग की। बांग्लादेश में साइक्लोन सितरंग से 24 लोगों की मौत हो गई है। सितरंग ने भारत में भी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में रेड अलर्ट जारी किया है, यानी कि इन राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं मैंने आपको पहले भी बताया था तूफान सितरंग का असर राजस्थान में नहीं दिखाई देगा। वहीं मौसम विशेषज्ञों की माने तो राजस्थान का मौसम आने वाले 2 से लेकर 3 दिनों तक साफ रहेगा, सर्दी बढ़ेगी। वहीं नवंबर के शुरुआती सप्ताह में उत्तरी भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ आएगा जिसके बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर जिले के बिलाड़ा क्षेत्र में झाक गांव में मंगलवार को एक खेत में बिजली का तार नीचे गिरने से काट कर रखा गया 2 दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली चारा जलकर नष्ट हो गया। बाद में ग्रामीणों ने ही अपने स्तर पर राहत कार्य शुरू कर आग को फैलने से रोका। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस आग में 20 बीघा में रखा गया चारा पूरी तरीके से जल गया है। किसान
किसानों को भारी नुकसान हुआ है। अब ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पटवारी व तहसीलदार मौका रिपोर्ट बनाकर किसानों को उचित मुआवजा प्रदान करवाए। तो फिलहाल यही थी देश और प्रदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।